हेलो यूनिवर्सल ट्रुथ फैमिली, एंड अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सेल्फ लव, सक्सेस स्टोरीज, मंत्रास, मेडिटेशंस, अफर्मेशंस एंड आपको आपकी लाइफ में जो भी चाहिए उसे कैसे हासिल करना है उसके लिए यहाँ पे गाइड किया जाता है। तो अगर आप इन चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। अगर आप भी सोते हुए बड़े ही आसानी से अपनी हर विश को मैनिफेस्ट कर पाएं तो कैसा होगा? जी हाँ, आज की इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाली हूँ, यानी कि हम सोते हुए आसानी से अपने विश को किस तरीके से मैनिफेस्ट कर सकते हैं इसके ऊपर आज मैं डिस्कस करूँगी और आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊँगी जिसे यूज़ करके आप आसानी से अपने किसी भी विश को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, वो भी सोते टाइम। क्या आपके भी मन में मैनिफेस्टेशन के टाइम ऐसे ख्याल आते हैं, मेरी विश तो बहुत बड़ी है, मेरे रास्ते में सिर्फ और सिर्फ कांटे हैं, मेरी विश कभी पूरी नहीं होगी, मुझे हार मान जाना चाहिए, ये सारी चीज़ें बिल्कुल फालतू हैं और मैं इन चीज़ों को मैनिफेस्ट नहीं कर सकती हूँ। दूसरे तो मैनिफेस्ट कर लेते हैं लेकिन मुझसे मैनिफेस्ट नहीं हो पाएगा। अगर आपके मन में भी ऐसे ख्याल आते हैं और आपका आंसर हाँ है तो आप अकेले नहीं हैं। इन सारी चीज़ों से, इन सारे थॉट्स का सामना हम में से बहुत से लोग करते हैं, अप्रॉक्स सभी लोग करते हैं, क्योंकि अगर हम कुछ पॉजिटिव ना करें, पॉजिटिविटी की प्रैक्टिस ना करें तो हमारे माइंड में ऑटोमेटिकली निगेटिव थॉट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आपका ध्यान पूरी तरीके से अपने किसी एक विश पे होता है तो आप उससे जुड़े सिर्फ नकारात्मक विचार को अपने मन में आने देते हैं, और अगर आप उसे कंट्रोल ना करें तो वो चीज़ें बढ़ती जाती हैं और हमें लगता है कि हमसे कुछ भी नहीं हो पाएगा और हमें चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। लेकिन ये सॉल्यूशन नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अपनी ड्रीम लाइफ को जी रहे हैं और वो दूसरे लोगों की मदद कर रहे हैं उनके ड्रीम लाइफ को जीने में। आप बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में जान सकते हैं, सुन सकते हैं कि ये चीज़ें काम करती हैं। तो सबसे पहला काम तो यही है कि अपने आप से कहिए कि हाँ मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने भी पहला स्टेप यही उठाया था कि हाँ मुझसे ये हो सकता है, ये पॉसिबल है और मैं बिल्कुल कर सकती हूँ, ये ईजी है। तो अब मैं बताना स्टार्ट करती हूँ कि किस तरीके से आप सोते हुए चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं और इसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपसे बोलना चाहूँगी, एक बुक आपके अवचेतन मन की शक्ति यानी कि द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बुक में इसके बारे में बहुत ही डिटेल में बताया गया है, तो आप उसे ज़रूर पढ़ें। नींद में आप किस तरीके से मैनिफेस्टेशन को पूरा कर सकते हैं उसमें बहुत ही डिटेल में समझाया गया है। जैसा कि आपको पता है, जब आप सो रहे होते हैं तो आपका कॉन्शियस माइंड ही सोता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड जाग रहा होता है। इसका बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, जो चीज़ें आपके साथ भी होती हैं। जैसे कि आप सो रहे होते हो और आपके आसपास के लोग कुछ चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो आप उन्हीं चीज़ों के बारे में सपने में देखने लग जाते हो, वही चीज़ें आपके सपने में आने लगती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपका कॉन्शियस माइंड तो भले ही सो रहा होता है लेकिन सबकॉन्शियस माइंड आपके आसपास की आवाज़ों को बड़े ही ध्यान से सुनता है और वो चीज़ें आपके माइंड में जा रही होती हैं। तो इसका ही आपको फ़ायदा उठाना है। इसके लिए बहुत ही कुछ सिंपल स्टेप्स मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले आपको जो चीज़ें मैनिफेस्ट करनी है उसे क्लियरली लिख लो, और मैं सबसे आसान चीज़ से बताऊँगी, यानी रिलेशनशिप से। बहुत से लोग रिलेशनशिप से परेशान होते हैं, तो अगर आपको अपने रिलेशनशिप को हील करना है तो उसके लिए कुछ फ़ोटोज़ आपको ले लेने हैं, वो फ़ोटोज़ जिसे देख के आपको लगे कि ये बेस्ट रिलेशनशिप है। उसके बाद आपको बहुत ही छोटी सी, मैक्सिमम 9 लाइन, इससे ज़्यादा नहीं और कम से कम 3 लाइन की हो तो बेस्ट होगी, आपको एक स्क्रिप्ट जो है तैयार कर लेनी है, यानी कि मैं अपने जीवन में बेस्ट रिलेशनशिप को एक्सपीरियंस कर रही हूँ, मेरे जीवन में बेस्ट रिलेशनशिप आज है और हमेशा रहेगा, मेरे पार्टनर के साथ मेरी रिलेशनशिप बेस्ट है। इस तरीके से कुछ बहुत ही पॉजिटिव लाइन्स जिसे पढ़ के आपको बहुत खुशी हो, 3 लाइन की स्क्रिप्ट तैयार कर लेनी है कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा 9 लाइन्स, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ये आपका पहला काम है। इसका करना क्या है? जब आप सोने जा रहे हो तो सोने से पहले आपको 3 लंबी गहरी सांसें लेनी है और उन फोटोज़ को 30 सेकंड्स तक देखना है। देखने के बाद आपको अपनी वो स्क्रिप्ट को 3 बार रीड करना है बहुत ही प्यार के साथ। उसके बाद अगेन उन फोटोज़ को देखना है और फिर आपको सोने चले जाना है। सोने जाते वक्त आपको रिलैक्सेशन की प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। अगर आप कर रहे हो तो अच्छी बात है, और अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको रिलैक्सेशन मेडिटेशन के लिंक दे दूंगी, सोते हुए उसे आपको सुनना है ध्यान से। नेक्स्ट स्टेप में आपको, आपने जो स्क्रिप्ट तैयार करी है उसे अपने वॉइस में रिकॉर्ड कर लेना है और बहुत ही आराम से उसे सोते टाइम आपको प्ले करके छोड़ देना है और उसे रात में चलने देना है। मैक्सिमम आपको 9 टाइम सुनना है, 9 टाइम सुनते हो तो वो आपके लिए बेस्ट होगा। अगर आप रिलैक्सेशन मेडिटेशन करते हो तो 2 चीज़ें होंगी, या तो आप सो जाओगे या तो हो सकता है कि आपको नींद नहीं आए,
मैक्सिमम लोगों को नींद आ जाती है, क्योंकि जब हमारा माइंड रिलैक्स होता है तो उसमें निगेटिव थॉट्स नहीं आते हैं, जिसकी वजह से हमें नींद आने लगती है, थॉटलेस स्टेट में हम चले जाते हैं। तो अगर आप सो भी जाते हो तो ये भी बेस्ट है। इसका रीज़न ये है कि जब आप सो रहे होते हो, जैसे मैंने आपको बताया कि जब आपके पास आसपास कुछ लोग बातचीत करते हैं तो वो भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में डायरेक्टली जाता है और आप सपने देखते हो उस चीज़ के, तो उसी तरीके से अगर आप उन लाइंस को सोने से पहले और सोते वक्त भी सुनोगे तो वो आपके सबकॉन्शियस में डायरेक्टली फीड होंगे। आपके भले ही कितने पुराने पैटर्न्स हो जिसकी वजह से आज आप परेशान हो, वो भी ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएंगे। और ये काम आपको कंटिन्यूसली 30 डेज तक करने हैं, जिसका रिजल्ट आपको ज़रूर दिखेगा। जिस तरीके से मैंने आपको बताया है ये प्रोसेस, उसी तरीके से करनी है। कुछ बहुत ही सिंपल स्टेप्स मैंने बताए हैं और बहुत ही आराम से सोते हुए ही आप चीज़ों को मैनिफेस्ट करोगे। मनी भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, हेल्थ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। और सबसे खास बात यह है कि आपको पूरे दिन इस चीज़ के बारे में नहीं सोचना है, यानी कि सबसे पहले उस चीज़ से ट्राई करो जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना हो, तो आप देखोगे कि आपने उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर लिया। तो इससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, ये चीज़ अगर मैंने मैनिफेस्ट करी तो आगे भी नेक्स्ट चीज़ें आसानी से मैनिफेस्ट कर सकती हूँ। और जब आपके साथ ऐसा होगा तो एक एक करके आप चीज़ें आगे मैनिफेस्ट करते जाओगे और फिर आपकी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी और आप कभी भी किसी चीज़ से परेशान नहीं होगे। ये बहुत ही कुछ आसान से स्टेप्स थे जो कि एक बार मैं वापस से रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले कुछ फ़ोटोज़ एंड एक स्क्रिप्ट तैयार करनी है, स्क्रिप्ट को रिकॉर्ड भी कर लेना है, सोते टाइम बस आपको उसे रीड करना है, उस फ़ोटोज़ को देखना है जो आपने डाउनलोड करी है, और फिर आपको सोने जाना है, रिलैक्सेशन मेडिटेशन करना है, एंड लास्ट में आपको जो आपने स्क्रिप्ट तैयार करी है उसे प्ले करके, अपनी वॉइस में यानी रिकॉर्ड करके प्ले करके सो जाना है। तो ये चीज़ आपके सबकॉन्शियस को रिप्रोग्राम कर देगी। और इसके बारे में ज़्यादा जानने के लिए द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड ज़रूर पढ़ो। आपको पता चल जाएगा कि नींद में जब हम होते हैं तो हमारे पास कितनी ज़्यादा पावर होती है, क्योंकि हमारा कॉन्शियस माइंड जो हमेशा रेजिस्टेंस क्रिएट करता है वो किस तरीके से रुक जाता है और चीज़ें आसानी से मैनिफेस्ट हो जाती हैं। ये ट्रिक उन लोगों पे भी काम करती है जो लोग अफर्मेशंस नहीं करते हैं। ये इसीलिए मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल पा रही हूँ क्योंकि मेरे बहुत से ऐसे सब्सक्राइबर्स क्लाइंट्स हैं जो कि अफर्मेशंस करना ही नहीं चाहते हैं, वो इतने ज़्यादा निगेटिव हो जाते हैं कि उनसे अफर्मेशंस भी नहीं होती है। और ये चीज़ मैं जानती हूँ, इसीलिए मैं उन्हें ये चीज़ें सजेस्ट करती हूँ, और जब वो ये करते हैं तो उन्हें रिजल्ट भी मिला है और मैंने सक्सेस स्टोरी भी शेयर करी है। तो आपको भी इसे फॉलो करना है, अच्छे से फॉलो करना है, और अपनी सक्सेस स्टोरी को ज़रूर शेयर करना है। वीडियो में अगर कुछ डाउट रहा हो या कुछ पूछना हो, आपके कुछ क्वेश्चंस हो, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूंगी। साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करें। अगर आपको मुझसे पर्सनली बात करनी हो या फिर मेरे कोर्सेज चाहिए हो तो आप जीमेल कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए इस वीडियो को मैं इतना ही रखूंगी। थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन, लव यू ऑल।